लैंग्वेज में जो कि है स्पेशल ऑपरेटर्स। आज हम देखेंगे कि स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये भी ऑपरेटर्स का ही एक पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि स्पेशल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि स्पेशल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो देयर आर सम स्पेशल ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन। जो हमारा स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, ये कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि क्या करते हैं, कुछ पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो दीज स्पेशल ऑपरेटर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर पॉइंटर एंड मेमोरी मैनिपुलेशन। यानी कि जो हमारे, जैसे कि हमारा जो पॉइंटर होता है, ये क्या करते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं हमारे स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, इनका यूज हम किस लिए करते हैं, पॉइंटर्स के लिए करते हैं और मेमोरी मैनिपुलेशन के लिए करते हैं। यानी मेमोरी मैनिपुलेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट इसका डिस्कस करें तो स्पेशल ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स हमारे क्या क्या होते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट होता है यूनरी ऑपरेटर्स, सेकेंड होता है टर्नरी ऑपरेटर्स, थर्ड होता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड साइज ऑफ ऑपरेटर्स। ये सारे, यानी कि जो हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एंड साइज ऑफ, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं यानी स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, इसका यूज पॉइंटर एंड मेमोरी मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है, जो कि हमारे स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं एंड साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो हमारा क्या था, बाइनरी ऑपरेटर था। यानी कि बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते थे, जो टू ऑपरेंड्स पर वर्क करते थे, यानी कि टू ऑपरेंड्स, यानी कि ए एंड बी, यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, टू ऑपरेंड्स, यानी कि उसमें हमें टू ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती थी। बट जो हमारा यूनरी ऑपरेटर्स होता है, इसमें ओनली वन ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। तो अगर हम देखें कि हमारा यूनरी ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि यूनरी ऑपरेटर्स कहते किसे हैं। तो व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर, दी यूनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस अ लाइन। यानी कि जो हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है, ये केवल ओनली वन ऑपरेशन यानी केवल एक एक्सप्रेशन की ही मांग करता है। यानी कि आप इसे ए दे देंगे तो ये क्या करेगा, ये एक ही ऑपरेंड पर, अगर सिंपल सा हम समझें तो ऐसे ऑपरेटर्स जो ओनली वन ऑपरेंड पर वर्क करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। यूनरी में वन, बाइनरी में टू ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है। अगर हम सेकेंड पॉइंट इसका देखें तो यूनरी ऑपरेटर्स यूजली प्रोड्यूस देयर सिंगल ऑपरेंड्स। यानी कि इसमें सिंगल ऑपरेंड्स की ही आवश्यकता होती है, जो कि मैंने बता दिया। अगर आपको जैसे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हो गया, ए प्लस प्लस, प्लस प्लस ए, ये सारे हमारे क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं। यानी कि अगर आपको जैसे ए इक्वल 10 दिया गया है, इस वैल्यू को परफॉर्म कराना है, इसे ऐड करना है डबल बार, यानी इसका डबल करना है, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस इक्वल क्या कर देंगे, यहाँ पर ए कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारी ए की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा मेमोरी मैनिपुलेशन, यानी कि मेमोरी के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है यूनरी ऑपरेटर से। यानी कि ये मेमोरी मैनिपुलेशन में बहुत वर्क करते हैं जो हमारे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें हमारे टाइम की बचत होती है। तो ये होता है आज, ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था स्पेशल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। तो स्पेशल ऑपरेटर्स हमारे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं एंड साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। साइज ऑफ ऑपरेटर की अगर सिंपल सी हम बात करें तो ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का जो भी एड्रेस हम स्टोर कराते हैं, यानी कि वो डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर है, तो उसकी मेमोरी में साइज क्या होता है, वो साइज क्या लेता है, कितने बाइट्स मेमोरी लेता है, इससे हम पता कर सकते हैं। कोई एक्सप्रेशन आपने परफॉर्म करा रखा तो उसकी साइज क्या है, इसको हम चेक करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्टली, यानी कि एक मेमोरी के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है, जो भी हमारे स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूनरी ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं।
तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।